हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वी विल डिस्कस द चैप्टर 7 इन द लास्ट वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर फ्रॉम द टॉपिक द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिस्ट थे अर्नस्ट हैकल, रॉबर्ट वाइटेकर एंड कार्ल बूस, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आई, लेकिन जो वाइटेकर साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट वाइटेकर, उन्होंने क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में. और वही आपका आप कंटिन्यू है, वही थ्योरी आपकी आप स्टडी करते हैं. ठीक है, 5 किंगडम्स में कौन कौन से किंगडम्स हैं, वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कैटेगराइज किया कि एक लार्ज जो ग्रुप है वो क्या है, किंगडम है, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो किसको डिनोट करता है, स्पीशीज को, लेकिन वो किस ग्रुप से है. ठीक है, तो वो फर्दर आपका बढ़ता चला जाता है और एक लार्ज ग्रुप होता है किंगडम. जैसे आप समझ सकते हैं कि जो टाइगर है या कैट है वो भी एनिमल है, एनिमेलिया किंगडम में आएगी, और ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल किंगडम में ही आएंगे, बर्ड्स हैं वो भी एनिमल किंगडम में ही आएंगे. ठीक है, तो सभी डिफरेंट डिफरेंट्स हैं, लेकिन उनका जो एक लार्ज ग्रुप है वो किंगडम, वो सभी का सेम है, एनिमेलिया. ओके, लेकिन स्पीशीज़ सभी की अलग हो जाती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की होमोसेपियंस. ठीक है, तो इस तरह से एक इंडिविजुअल तक वो अलग आएंगे. ठीक है, फर्स्ट किंगडम हम स्टडी करेंगे मोनेरा. मोनेरा किंगडम जो है आपका कैसा है, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोट्स. ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स जो हैं वो कैसे हैं, मोनेरा किंगडम में हैं. जैसे ऑल द बैक्टीरिया एंड ग्रीन ब्लू एल्गी, जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये आपके आते हैं मोनेरा में. दीज आर द प्रोकैरियोटिक्स एंड दीज आर द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. ठीक है, ये अप या कुछ ऐसे भी हैं कि जो कि हेटरोट्रॉफिक इन नेचर भी हैं, मींस ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक जो अपना खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. ठीक है, इनके एग्जांपल हो गए बैक्टीरिया और एनाबीना, ये आपका हो गया मोनेरा ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट आपका किंगडम आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. देखिए, मोनेरा भी यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, मोनेरा आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोटिस्टा हैविंग द यूकैरियोटिक सेल्स. क्लियर, अब इसमें इनमें क्या है, इन ऑर्गेनिज्म में अपेंडेजेस हैं, हेयर लाइक सीलिया हैं या फ्लैजिला हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है इनको. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी. ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स जो कि आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर द प्रोटोजोन्स. ओके, एल्गी, एल्गी का देखिए ग्रीब्लून एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, वो है आपका मोनेरा किंगडम में, लेकिन उसके अलावा जितनी भी आपकी एल्गी हैं वो किस किंगडम में है, प्रोटिस्टा में. क्लियर, इनके डायग्राम्स हैं. फिर आपका आता है फंजाई. फंजाई हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर अपना फूड लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स. ठीक है, कुछ की ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनकी सेल वॉल है. जैसे जैसे हम किंगडम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमें एडवांसमेंट मिलती चली जाएगी. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपके यीस्ट है, मशरूम्स हैं, जो कि इसकी कुछ स्पीशीज कैसी हैं, एडिबल हैं, जैसे मशरूम है, मशरूम हम खाने में यूज़ करते हैं. जैसे कि पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स मिली है, तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी.
क्लियर। इनके चारों तरफ जो सेल वॉल है, सेल वॉल एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं काइटीन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटीन। काइटीन इज द कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फंजाई में आपका लाइकेन। लाइकेन क्या है? जो फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। फंजाई एल्गी को प्लेस देता है, शेल्टर देता है रहने के लिए, और एल्गी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, फूड बनाती है और उसके प्लेस में फंजाई को फूड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो दोनों में म्यूचुअल जो है आपका रिलेशनशिप है, दोनों बेनिफिशियल, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसका क्या नेम है? दोनों का जब सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं फंजाई और एल्गी, तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। ओके, या आपके थ्री किंगडम्स आज कवर हो गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका प्लांटी और एनिमेलिया। थैंक यू।